न सूजी मैदा न आटा, आज मैं आपके साथ पापड़ से बनने वाले बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। वीडियो को फुल देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। इसके लिए ये मैंने लगभग 100 ग्राम मूंग की दाल ली है। इसको मैंने करीब 2 से 2.5 घंटे पहले भिगो दिया था और ये दाल भी देखिए एकदम अच्छे से भीग गई है। अब इसको जार में डाल देंगे। आप इसमें मूंग की दाल की जगह कोई सी भी दाल ले लें जो भी आपको आसानी से मिल जाए। इसमें थोड़ी सी अदरक डालेंगे। अब इसमें करीब 10 से 12 कली लहसुन की डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और दाल को मिक्सी की हेल्प से बारीक पीस लेंगे। दाल को मैंने पीस लिया है, अब इसको बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें 3 से 4 चम्मच बेसन डालेंगे। ये मैंने 4 चम्मच बेसन लिया है। इसमें पूरे बेसन को डाल देंगे। अब इसी कटोरी से नाप के इसमें 1 कटोरी पानी डालेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये घोल ना ही तो ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इसका थोड़ा मीडियम से घोल बना लेंगे। जिस तरीके का घोल हम पकौड़ियों के लिए बनाते हैं उसी तरीके का घोल बना लेंगे। आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा मेरा गला अभी भी काफी खराब है। इसका देखिए इतना गाढ़ा घोल बना लेंगे। अभी इसको साइड में रख देंगे। अब इस तरीके से कोई भी एक प्लेट लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अभी मैंने पापड़ लिए हैं, पापड़ों को इसमें डाल देंगे। ये मैंने छोटे वाले पापड़ लिए हैं। आप पापड़ किसी भी तरीके के ले लें जिससे भी आपको आसानी से मिल जाए। इनको पानी में अच्छे से डिप कर देंगे। अब इनको करीब 3 से 4 मिनट पानी में ही भीगने देंगे, जिससे क्या होगा ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी इनको साइड में रख देंगे। अभी मैंने 1 कटोरी उबले हुए आलू लिए हैं, इनमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच सौंफ है। अब इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ये मैंने 1 प्याज ली है, 1 टमाटर लिया है, 2 हरी मिर्ची ली है और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। इनको देखिए इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लेंगे। अब इनको भी इसी में डाल देंगे। इसमें थोड़ा खट्टापन लाने के लिए 1 चम्मच अमचूर डालेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें अमचूर की जगह 1 नींबू का रस भी डाल सकते हो। अब इनको देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे। आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने के बाद यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन सभी को देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इस प्लेट को साइड में रख देंगे। पापड़ को भी भीगते हुए करीब 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये पापड़ देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अभी इनको भी साइड में रख देंगे। अब इस तरीके से कोई भी एक टॉवल या फिर कॉटन का कपड़ा लेंगे। अब पापड़ों को इस पर जमाएंगे। इनके पानी को देखिए इस तरीके से साफ कर लेंगे। इसी तरीके से पूरे पापड़ के पानी को सुखा लेंगे। ये मैंने पूरे पापड़ के पानी को सुखा लिया है। अब थोड़े से पापड़ लेंगे, इनको बोर्ड पे जमाएंगे। अभी मैंने फन फूड का पिज्जा पास्ता सॉस लिया है, इन पे थोड़ा थोड़ा सॉस लगाएंगे। क्या आपने भी आज से पहले इस तरीके से पापड़ की कोई रेसिपी बनाई है? अगर बनाई है तो मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर, और अगर नहीं बनाई है तो इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी, क्योंकि यकीन मानिए ये मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आई है। अब हमने ये जो आलू का मसाला बनाया है इसमें से थोड़ा थोड़ा सा मसाला लेंगे, इसको पापड़ पे देखिए इस तरीके से जमाएंगे। अब इनको देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। ये मैंने थोड़े से रोल बना लिए हैं। अब हमें जितने भी रोल चाहिए इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। अब इनको देखिए घोल में इस तरीके से डिप करेंगे। अब इनको फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें जितने भी पीस आसानी से आ जाएंगे उतने डाल देंगे। अभी फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब इनको मीडियम फ्लेम पे सब तरफ से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करते वक्त फ्लेम को मीडियम रखेंगे।
अगर फ्लेम को हाई कर देंगे तो पापड़ अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये पीस देखिए फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे। अब हमें जितने भी पीस चाहिए इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये मैंने पूरे पीस फ्राई कर लिए हैं, मैं इनको टमाटो केचप के साथ सर्व करूंगी। आप इनको अपनी पसंद के हिसाब की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। और अगर जरा भी आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।